ये आदमी डस्टबिन में कुछ गंदगी फेंकने के लिए जाता है, तभी उस डस्टबिन से एक कीड़ा बाहर निकल के आता है और वो आदमी उसे मारने लगता है। तभी उसके पैरों में हो जाता है इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए वो आदमी चला जाता है क्लिनिक पे। क्लिनिक पे कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है ये देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन मैं कुछ दिनों से ये देख रही हूँ कि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं करते। लगता है आपको कसम वाली वीडियो ही ज्यादा पसंद आती है। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डॉक्टर पहले दबा के इन्फेक्टेड एरिया से डस्ट को बाहर निकालते हैं और पोंछ देते हैं। इसके बाद दूसरे पैर की इन्फेक्टेड एरिया को भी दबाते हैं और उस जगह से एक चिमटे के जरिए एक एक करके गंदगी को बाहर निकाल के फेंकते हैं। इसके बाद उस जगह के ऊपर एक दवाई लगा देते हैं। इसके बाद फुंसे से कीट को बाहर निकाला जाता है। देन उस इंसेक्ट को एक दवाई स्प्रे करके मार दिया जाता है। इसके बाद एक सर्जरी ब्लेड के जरिए डेड स्किन सेल को काट के फेंका जाता है। लास्ट में एक दवाई को लगा देते हैं और ऐसे ही दवाई लगाते हुए उस आदमी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये लड़की कचरे से कुछ उठा रही होती है, तभी कोई अनजान गैस इसके आंख में चला जाता है तो इसके आंख में हो जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए वो क्लिनिक पे जाती है। क्लिनिक पे कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है वो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे दूसरे यूट्यूबर की तरह पसंद नहीं देती प्लीज कर दीजिएगा। पहले डॉक्टर एक टिश्यू के जरिए इसके पूरे मुंह को साफ कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर इसके आंख से चिमटे के जरिए इंसेक्ट को बाहर निकाल देते हैं। देन इस तरीके से सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। इसके बाद आंख के अंदर के गंदगी को भी साफ कर देते हैं। इसके बाद आंख में जितने फुंसे होते हैं उन जगहों पर पिन के जरिए से छेद करके उन जगहों से इंसेक्ट को बाहर निकाल देते हैं। बाय द वे आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद डॉक्टर उस फुंसों को दबाकर उसके अंदर का रस बाहर निकाल कर पोंछ देते हैं। इसके बाद उन जगहों पर मलहम लगाकर आंखों में आई ड्रॉप डाल देते हैं। देख लीजिए अब ये लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये लड़की अकेले जंगल से चल के जा रही होती है। वहाँ के कुछ पेड़ों के पत्ते में कुछ जहरीले इंसेक्ट और कनकुजरा कीट का घर होता है। उन कीटों का कुछ जहर उस लड़की के फेस के ऊपर पड़ जाता है। लड़की बिना ध्यान दिए ही अपनी जुबान से उस जहर को चाट लेती है और तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। उसे कोई उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है ये देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डॉक्टर पहले एक चिमटे के जरिए इन सारे इंसेक्ट को एक एक करके बाहर निकाल के फेंक देते हैं। इसके बाद इस छोटे छोटे इंसेक्ट को भी साफ कर देते हैं। देन यहाँ पे ऐसे दबा के उसका रस बाहर निकाल फेंकते हैं। इसके बाद एक सर्जरी ब्लेड के जरिए ऊपर से ऐसे फंगस को साफ कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं। इसके बाद इस इन्फेक्टेड एरियो में इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद एक मलहम लगा देते हैं। अब देख लीजिए इसका होंठ बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस अफ्रीकन महिला के मुंह में हो जाता है बहुत बड़ा घाव, तो इसके मुंह से इस प्लेट को हटाया जाता है। इस महिला का कैसे ट्रीटमेंट होता है ये देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह कसम नहीं देती प्लीज कर दीजिएगा। पहले एक चिमटे के जरिए एक एक करके इंसेक्ट को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इस क्रीमी इंसेक्ट को भी बाहर निकाला जाता है। इसके बाद एक सर्जरी ब्लेड के जरिए इस जगह को काट कर इस जगह से रस को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद उस जगह को सील दिया जाता है। इसके बाद एक पेस्ट बनाया जाता है, देन उसके घाव पर लगाया जाता है। इसके बाद उस महिला के होंठ को छोटा करके सील दिया जाता है। इसके बाद बैंडेज लगा दिया जाता है। कुछ दिन बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये लड़की स्कूल के छुट्टी होने के बाद जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी सिर में स्केबीज हो गई है। आप डॉक्टर कैसे इसका इलाज करते हैं चलिए देखते हैं। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं दूसरी यूट्यूबर की तरह कसम नहीं देती प्लीज कर देना। सबसे पहले डॉक्टर एक कंघी की मदद से डैंड्रफ को साफ कर लेते हैं। इसके बाद एक टॉर्च से सिर में देखते हैं और एक लिक्विड डाल के सारे चूहे मार दिए जाते हैं। इसके बाद सिर के पीछे सारे डैंड्रफ को साफ करके ट्राइमर से बालों को काट देते हैं और फिर फूसे से मवाद को निकलकर साफ कर दिया जाता है। इसके बाद एक छुरी से सर के गंदगी को साफ करके फुंसियों में छेद करके मवाद को बाहर निकलकर साफ कर दिया जाता है और फिर दवाई लगा दी जाती है। इसके बाद पूरे सिर में एक स्पेशल दवाई को लगा दिया जाता है और कुछ दिन के बाद लड़की के बाल बढ़िया हो जाते हैं। ये लड़की रास्ते से चलकर जा रही होती है, ऐसे में उसका तबीयत खराब होने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। कोई उसको उठा करके क्लिनिक पे लेकर जाता है। क्लिनिक पे कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं दूसरी यूट्यूब की तरह प्लीज कर दीजिएगा। पहले डॉक्टर उसके गले में रहा ब्रेसलेट को काट देते हैं। इसके बाद सर्जरी ब्लेड के जरिए जितने भी फंगस होते हैं उनको साफ कर देते हैं। इसके बाद इंसेक्ट को मारने वाला दवाई स्प्रे कर देते हैं। देन चिमटे के जरिए एक एक करके सारे इंसेक्ट को बाहर निकाल फेंकते हैं। इसके बाद जितने भी फुंसे होते हैं उन सबको दबा कर उनका रस निकाल कर उन्हें पोंछ देते हैं। इसके बाद उस जगह पर मलहम लगा दिया जाता है। कुछ दिन बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है।
इस लड़के को एक डॉग काट देता है। वो लड़का अच्छे से अपने पैर को धो के घर में जाके सो जाता है, लेकिन सुबह जब वो उठता है तो उसके पैर में हो जाता है एक खतरनाक इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लिनिक पे जाता है। क्लिनिक पे कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है ये देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं दूसरी यूट्यूबर की तरह कसम नहीं देगी, प्लीज कर दीजिएगा। इसके बाद एक दवाई को स्प्रे किया जाता है, इसकी वजह से सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। देन एक सिंक के जरिए उन सारे मरे हुए इंसेक्ट को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उस जगह पर दो बूंद दवाई को डाल दिया जाता है, देन पूरी जगह पर मलम लगा दिया जाता है, देन उसके ऊपर बैंडेज कर दिया जाता है, देन पेट में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है।